पिछले हम देखें तो सितंबर से अभी तक 24% मार्केट चला, और उस समय पूरी दुनिया सब नीचे थी। तब हर रोज हम क्या कह रहे थे कि हमारा डोमेस्टिक इतना स्ट्रांग है, SIP इतना स्ट्रांग है, तो इसके लिए हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो बढ़ते ही रहेंगे। अब 2-3 दिन में 3 महीने की सारी बढ़त निकल गई, तो अब हमें याद आ गया कि DII और FII सब कुछ कर रहे हैं, हम तो हमारे तो वो लोकल कहाँ गए हमारे सब। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि जो गिरावट का कारण है वो लोकल ही है, जैसे लोकल बाइंग का कारण था और चढ़ने का कारण था, आज जो गिरावट का कारण है वो भी वही है। क्योंकि अगर आप स्टॉक्स जो गिरे हैं पिछले 3 दिन में वो देखिए, तो वो सारे मोमेंटम वाले स्टॉक्स ही हैं, सभी PSU बैंक या जो भी स्टॉक, भारत फोर्ज जैसा स्टॉक 3 दिन पहले सारे एनालिस्ट मीट के बाद 850 वाला, जब तक हम रिपोर्ट निकाल रहे हैं तब तक 950 हो गया, और आज एक ही दिन में वापस 840। अभी क्या उसके फंडामेंटल में चेंज हो गया? कुछ नहीं। तो दो दिन में 3 दिन में जब इस तरीके का मूवमेंट आता है, वो शॉर्ट टर्म मनी, स्पेकुलेटिव मनी है, ये इस तरीके के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्विक काम करना चाहते हैं, आई थिंक उनकी वजह से इस तरीके का हुआ है। फंडामेंटली मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, ये जो फियर है कोरोना का फियर, बट आई थिंक इसी फियर के कारण हम एक बार पहले गिर चुके, तो जो चीज हमें मार्केट को पहले से पता है वो दोबारा कितना असर करेगी शायद वो समझना चाहिए। तो अभी संभलेगा कि अभी और आपको भी लगता है थोड़ा अभी और बाकी है? पता नहीं ये अभी बाकी है कि नहीं है, ये मेरा मेरे लिए बहुत मुश्किल है कहना, वो एक तरीके का गैस वर्क ही है। हो सकता है मंडे को हम सब यही बात करें कि अरे सब रिवर्स हो गया, अब यहाँ से तो सब वापस ठीक ही हो गया, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। एक दिन के लिए अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस है ही आपके पास। ट्रेडर है तो आजकल सर ट्रेडर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते। मैं तो रोज एक कॉलिंग शो करता हूँ, मतलब इतना हम लोग सिखाते हैं, आप लोग इतना सिखाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ऐसा फंसे हुए हैं 20% 30% नीचे। बड़ा दुख होता है उनको सुन के, लेकिन ये बात आप किसी की स्टॉप लॉस तो होना चाहिए। पंकज सर, आपके तो बहुत सारे क्लाइंट के फ़ोन आए होंगे आज दिन भर कि पंकज सर बचाइए, अब क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या समझाया आपने उनको आज? नीरज जी नमस्कार। नीरज जी, आई थिंक जो हम पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं, जिस तरह का मार्केट में हमने पिछले से 10 एक दिनों में फॉल देखा है, 5 से 7% तक फॉल हो गया, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, 18,888, आई थिंक दैट वाज द एब्सोल्यूट काइंड ऑफ फिगर जो हमने भी रिसेंट टॉप बनाया, और उससे आज 17,800, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट प्लस का निफ्टी में फॉल हमने देख लिया पिछले 10 एक दिन में। सो दिस हैज़ बीन अ वेरी शार्प एंड सीरियस फॉल, और जिस टाइम जोन में ये फॉल आया आई थिंक वो ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। और जिस तरह का हमने देखा है, जैसे अभी दलजीत भाई कह भी रहे थे, जो आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने देखा, जो कैश मार्केट स्टॉक्स हैं उनमें जो 6-7-8% से लेके 12% का फॉल दिया है, वो एक रिटेल ट्रेडर्स फैंसीड स्टॉक थे, उसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का या FIs का कोई इमीडिएट रोल था। आई थिंक जो पिछले 3 से 4 महीनों में US के राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, राइजिंग इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में, बाहर की कंट्री में जो नहीं कर पाई, राइजिंग क्रूड जो पिछले दिनों कंसर्न था, या FI सेलिंग जो कंसर्न था वो शायद नहीं कर पाई, वो शायद एक कोविड के स्केयर ने पिछले 2-3 दिनों में कर लिया, और उसके अंदर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ये कितना बड़ा स्केयर है कि चाइना से न्यूज़ आ रही है नहीं आ रही है। जैसा आपने कहा कि हमारे कई क्लाइंट्स फ़ोन कर रहे होंगे, आई वॉज आर्ग्यूइंग विद वन ऑफ माई क्लाइंट कि भाई अगर हम ये मान के चलें कि इंडिया में ये स्केयर थोड़ा बहुत आने भी वाला है, अगर हम उसे एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे देखें, पॉजिटिव नोट पे देखें कि वी आर अ वेल वैक्सीनेटेड कंट्री, और ये प्रूवन फैक्ट है कि हमारी वैक्सीनेशंस काफ़ी इफेक्टिव हैं, सो ऑल इन ऑल अगर उसको एक परसेंटेज टर्म में देखे जाए तो शायद 5 से 10% से ज़्यादा चांसेस नहीं है कि एक बड़ा स्केयर कोविड का आएगा। सो वाई आर वी ट्राइंग टू प्ले ऑन दैट 5 to 10% चांस रादर देन अ 90% पॉजिटिव चांस, शायद ये भी साइड से निकल जाएगा, और कितना बड़ा स्केयर है वर्ल्ड वाइड ये भी अभी नहीं पता है। सो आई थिंक मार्केट वॉज लुकिंग एट अ रीजन, रिटेलर्स वर लुकिंग एट अ रीजन, जो एक टॉप हैवी मार्केट हो गई थी उसको कहीं ना कहीं एक कैस्केडिंग इफेक्ट आया है, और अगर हम पिछले 2-3-4 दिनों में देखें तो FIs या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, बट शायद इस बार पिछले 3-4 महीने में रिटेलर्स थोड़े से पैनिक हो गए हैं, दैट कुड बी ईयर एंड इफेक्ट। मेरे को नहीं लगता ईयर एंड इफेक्ट जो अभी हम बात कर रहे थे कि
FIs अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी रहता है कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो थोड़ी सी विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो इतनी बड़ी होल्डिंग है वो जितने हायर रेट्स पे 31 दिसंबर को या उससे पहले क्लोज होगी उतना अच्छा उनके NAV होगी और उतना अच्छे उनके रिटर्न्स या बोनसेस होंगे। सो आई थिंक इट्स अ डबल एज काइंड ऑफ सिनेरियो, किस तरह से आप ग्लास आधा भरा है आधा खला है आपको किस तरह से देखना है। सो बट आई थिंक मार्केट टॉप हैवी हो गई थी, मार्केट वॉज लुकिंग फॉर एक्सक्यूज टू कम डाउन। एक और चीज़ मैं नीरज जी कहना चाहूँगा, जनरली ऑलमोस्ट मेरा 27-28 साल का कैरियर हो गया इस मार्केट में, मैंने ये देखा है कि जनरली कई बार ऐसा आया है कि हम एक आइसोलेशन हो गए, हम एक आइलैंड हो गए वर्ल्ड मार्केट से, ऐसा नहीं होता है। ऑल इन ऑल आई थिंक मार्केट सेटल डाउन होती है जो वर्ल्ड में आपके आसपास हो रहा है, यू हैव टू बी इन दैट ग्रुप ऑन अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है 3-6-9 महीने आप उससे अलग रह सकते हैं बट बहुत ज्यादा उससे अलग नहीं रह सकते। तो ग्लोबल मार्केट्स में हम देख रहे थे करेक्शन चालू हो गई थी, इन्फ्लेशन ऊपर है, इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर है, सो आई थिंक इट वॉज अबाउट टू कम, बट जिस गति से आया है ये हमने बार बार देखा है वो शायद थोड़ा सा चिंताजनक है और था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओवर वैल्यूड था, बहाना चाहिए था उसको, एक वो बहाना